अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के, कैसे हैं? जानता हूँ मैं, डर से बाद मेरा ब्लॉग आने लगा। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मैसेज किया था कि काफ़ी अच्छे से ब्लॉग नहीं आ रहा, तो बस क्या बताऊँगा, कुछ मसरूफियात ऐसी थी घर को काम को लेकर कि ब्लॉग बनाने का मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। लेकिन आज फिर मौका ऐसा मिला है कि मैंने कहा मैं फिर से ये ब्लॉग बना सकूँ। पूरा 1.5 साल हो गया मुझे मेरी वाइफ को हज किए हुए, और उसके बाद से उन्हें बिल्कुल मौका नहीं मिला उमरा करने का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कई उमरे कर चुका हूँ, ये सारी ऊपर उनकी लिंक्स आ रही होंगी यहाँ पर। तो लेकिन ये कि फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो अल्लाह ने फिर से बुलावा दिया तो जा रहे हैं उमरे करने के लिए। गर्मी बहुत है बहरीन के अंदर, तो बल्कि सऊदीया में भी। तो फिर हमने डिसाइड किया कि बाई एयर जाते हैं हम लोग, और मैंने बस ऐसे ही चेक किया, एयरलाइन की टिकट चेक की, तो अल्लाह की तरफ से मुझे इशारा आया, एयरलाइन की टिकट 50% ऑफ मिल रही थी। मैंने बोला भाई ये तो पक्का बुला हुआ है, लेट्स गो। फिर क्या कर दी बुकिंग। अभी हम एयरपोर्ट पे हैं, सुबह जल्दी उठना पड़ा था तो नाश्ता करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, लेकिन अब लगी है डडी भूख, लेट्स गो हैव सम नाश्ता। हो गई है तो चले बोर्डिंग का टाइम हो रहा है। चलो यार एक बैग पहले लेता हूँ, दूसरा बैग फिर आप ले लेंगे। ओके चलो चलो कुछ भूल नहीं रहे आप? क्या बोल रहा हूँ, आराम किसने पहनना है वो ठीक है अभी बदल जा। अब ठीक है चले लेट्स गो। لا معبود إلا الله لا ناصر إلا الله ومحمد رسول الله حي في قلوبنا. الله دو آمد كنا سيبا لتنوى قنا يأمس في كهيلة نالجوى جاء عبود जिद्दा पहुँच चुके हैं, और हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे। तकरीबन हम लोगों ने पहुँचा था यहाँ पे 2:45 पे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए वहाँ से बहरीन से चलते हुए। तो अब भी हम जब पहुँचे तो 3:25 हो रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने वो जो टिकट मुझे मिल रही थी पहले 1 घंटे की डिफरेंस पर मिल रही थी अल हरमैन वाली, कि मैं 2:45 पर उतरूँगा, तो 3:35 की मुझे मिल रही थी। मैंने कहा काफ़ी होगा, लेकिन फिर थैंक्स टू बिग थैंक्स टू माई कज़न बस्साम, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये एडवाइस किया कि मैं 1 घंटे लेट की लूँ, एंड इट हेल्प मी अलॉट। अच्छा बाय द वे, मैंने अभी प्लेन से उतरे हैं, प्लेन से उतर के हम लोगों ने कस्टम्स और पासपोर्ट क्लियर किया, तो अभी ऑलमोस्ट हम लोग को हो चुके हैं 15 मिनट। अभी तक मुझे कोई साइन नहीं नजर आया यहाँ पर हम लोग बैगेज क्लेम एरिया के अंदर। हम लोग यहाँ से थोड़ा सा बाहर में निकलूँगा, एग्जिट करता हूँ, एग्जिट करके देखता हूँ मुझे वहाँ पर कोई साइन नजर आते। तो अभी हम लोग बस कस्टम्स क्लियर किए, हम लोग बाहर एग्जिट किए हैं, अभी उसका मेन हॉल है। तो इसी तरफ अभी तक मुझे कोई डायरेक्शन नहीं दिखी, मैंने लोगों से पूछा है तो पता चल रहा है, बस अभी बाकी मैं चल के जा रहा हूँ आगे, देखते हैं किधर। अभी तक कोई साइन नहीं दिखा मुझे, लेकिन बैगेज क्लेम से एग्जिट होके फर्स्ट राइट लिया मैंने अभी, और वो बीच में एक्वेरियम है, तो एक्वेरियम वाली जगह पे जा रहे हैं हम। आगे मैं देखता हूँ किस तरफ है डायरेक्शन।
अच्छा जी, ये पहला साइन मुझे दिखा यहाँ पे, इट सेज रेलवे स्टेशन निकल के, वो बोल रहे हैं कि सीधे सीधे जाओ, हम ना किस सीधे जाएंगे। नियम को हमने अभी पीछे छोड़ दिया है, यहाँ में सामने आए, यहाँ पे सारी मोबाइलों वाली शॉप्स बनी है। और ये यहाँ पर अब दूसरा साइन दिखा है, ये भी यही कह रहा है कि सीधे सीधे जाना है। ठीक है, तभी मैं मेन लॉबी की तरफ जा रहा हूँ। थर्ड साइन फाइनली, चलें जी मेन लॉबी की तरफ जा रहे हैं हम लोग। ये एक्वेरियम हम लोग क्रॉस करके आए थे, सीधे सामने ही इस तरह के बैरियर्स बने हुए हैं, यहाँ पे उन लोगों ने हमारी टिकट जो है वो स्कैन किए QR स्कैन्स, और उसके बाद हम लोग अंदर आने दिए। अब ये सामने लिखा हुआ है एक तरफ मक्का और एक तरफ मदीना, तो हम मक्का वाले पे टर्न करेंगे इंशाल्लाह। ये हाल से बैठे हुए हैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं लोग। यहाँ काउंटर मैंने आपको दिखाया था, हम लोग नीचे से एंटर हुए थे राइट, तो मेरे पास असल में ऊपर लाउंज का एक्सेस है, तो ये साथ में आपने एस्केलेटर ले लेनी है और ऊपर आ जाना है एंटर होने से पहले। ठीक है, आप एंटर ना हो अगर आपके टाइम है ट्रेन में, जैसे अभी मेरा टाइम है। ऑल थैंक्स टू बसाम वंस अगेन फॉर गिविंग मी द आइडिया टू डिले माई टिकट। तो बस अब ये जो है इस तरफ से बिजनेस लाउंज, हम लोग उसमें जाएंगे इंशाल्लाह जब तक हमारी ट्रेन नहीं आती। अच्छा जी, ये यहाँ की बिजनेस क्लास है, मैं आगे वीडियो नहीं ले सकता था बिकॉज बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। मैं मेरी बेगम जेदी खैर है, ठीक है, लेकिन अच्छी बनी हुई है ये भी छोटी सी। अगर आप बिजनेस क्लास ले रहे हैं टिकट तो ये आपको फ्री एक्सेस है, यहाँ पर आप ऊपर आ सकते हैं जब तक आपकी ट्रेन का टाइम नहीं हो जाता। मोजन ट्रेन का कॉफ़ी स्टेशन है, थैंक यू सो मच फॉर द कहवा शिकवान, मेरी फेवरेट खजूर सिक्करी। मुझे कैसे पता चला, पता नहीं यार कैसे पता चल जाते हैं, लवली। अभी अनाउंसमेंट हुई हम लोगों की ट्रेन की कि जी ट्रेन रेडी है, अपने डोर्स वगैरह उसके ओपन हो गए, तो हम लोग यहाँ पे लाउंज में M2 में, यहाँ से अच्छा है कि डायरेक्ट एक्सेस है नीचे, यानी हमें वापस एग्जिट नहीं करना पड़ेगा, सीधा हमें डिपार्टमेंट्स तक लेके जाएगी। तो लेट्स गो जी, यहाँ से हम लोग निकल आए हैं, अब यहाँ पे देखते हैं किस तरफ है डिपार्चर। ये तो मुझे लग रहा है M1 पे रुक गए हम लोग फिर से, वी वर सपोज टू गो डाउन। ये यहाँ पे ना टिकट वाली मशीन्स हैं, लेकिन यहाँ पे ना किसी को भी टिकट मिल नहीं रही, अवेलेबिलिटी नहीं है मेरे ख्याल से। वापस हम लोगों को अब उसी काउंटर से जाना पड़ा, मुझे लगा था कि लिफ्ट हमें नीचे ले जाएगी, लेकिन लिफ्ट से हम लोग डायरेक्टली नीचे नहीं जा सके, तो वी आर गोइंग नाउ अगेन फ्रॉम द सेम सिक्योरिटी। अच्छा जी, हम लोग घूम फिर के खा पी के अपना फिर से वापस उसी जगह पे आ गए हैं, वो सामने ना ये लिफ्ट से भी यहाँ से नीचे जा रही हैं और वहाँ से भी हम लोग जाएंगे नीचे सामने वाली से। This is how the train station looks. We are supposed to go to platform number 1 for Makkah. ये वाले सुनो, business class देती है सबसे आखिरी बोगी जो है, that is the one business class.
गया मक्का का हरमेन स्टेशन। अब बस यहाँ से हम लोग निकलेंगे और टैक्सी लेंगे और होटल को जाएंगे इंशाल्लाह। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। टर्मिनल से बाहर निकल के होटल में, अंदर होटल मेन एंट्रेंस आ गया। ओके, अभी यहाँ से कहाँ जाना है? ओके ठीक है, वो लिखा हुआ वे आउट, यानी सीधा सीधा ही बाहर जाइए जाना है। सामने से एग्जिट हो गया और बड़ा अच्छा बना हुआ है माशाल्लाह, इट्स वेरी नाइस एंड इट्स ह्यूज। काफ़ी दुकान है यहाँ पर, कोस्टा ये इधर भी है और आगे भी मकतब, माशाल्लाह वेरी नाइस, आई लाइक इट। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा कर लिया हमने, मौसम से अंदाज़ा लगा लें खुद ही कि कितना मज़ा आया होगा। बस शायद इसीलिए अल्लाह ने सारे सबब बनाए थे कि हम उसके घर आएँ, उम्रा करें और इस मज़ेदार मौसम का मज़ा लें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं कैमरे में बिल्कुल बारिश दिख रही है ऊपर, लेकिन हम लवेंगे।
अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। चार दिन बहुत खूबसूरत गुजरे, आप लोगों ने देखा वीडियो के अंदर कितने खूबसूरत दिन गुजरे हैं, खूबसूरत मौसम। रियली रियली फीलिंग वेरी ब्लेस्ड विद ऑल द रेन एंड एवरीथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ वी आर बैक एट द स्टेशन। आप लोगों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टिप, एक बहुत इम्पोर्टेंट टिप कि मैं टैक्सी वगैरह सर्च कर रहा था यहाँ पे, जहाँ से मेरा होटल था वहाँ से यहाँ तक तकरीबन 70 रियाल्स का यानी ऑफर थी, तो मैंने बहरीन के नंबर पे ही उबर डाउनलोड किया, और यानी सॉरी उबर डाउनलोड करके बहरीन के नंबर से मैंने उसको रजिस्टर किया। तो मैंने फिर उबर मंगवा ली, एंड द बेस्ट पार्ट वॉज कि मैंने कल ही उसको रजिस्टर कर लिया था, रिजर्व कर लिया था मैंने। देयर इज़ दिस ऑप्शन टू रिजर्व योर टैक्सी, तो वो मैंने रिजर्व कर ली और यहाँ पे मुझे लेकर आया। फॉर हाउ मच? 35 रियाल्स। तो रियली 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 हैप्पी अबाउट इट, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यानी इवन उसको टिप करने के बावजूद भी यू स्टिल इन प्रॉफिट्स, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हियर, वी आर बिट अर्ली। मैं आई डोंट वांट टू मिस माय ट्रेन बिकॉज ये सुबह की 6:30 बजे की है, और उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेन मिलेगी हम लोग को वो मिलेगी 8:35 की, तो वो काफ़ी लेट हो रही थी मेरी फ़्लाइट के लिए, तो इसीलिए 6:35 इज़ द बेस्ट वन। सुबह सुबह उठ के आना पड़ा फजर के बाद, और चलो बस इंशाल्लाह वेट करें। मैं भी जैसे फ़्लाइट का टाइम होगा, फ़्लाइट का टाइम होगा नहीं, जैसे हमारी ट्रेन का टाइम होगा इंशाल्लाह हम लोग वी विल हेड टू द कोच। देखिए ये वही हॉल है जहाँ पे हम लोग उस दिन यहाँ से निकले थे, और सामने का गेट से हम लोग बाहर गए थे। तो अभी जब हम आ रहे तो उन्होंने हमें बताया कि डिपार्चर के लिए हम लोग को यहाँ से जाना है, और हम लोग को ऊपर वाले फ्लोर पर जाना है, फिर वहाँ से डिपार्चर्स होंगे इंशाल्लाह। तो ये यहाँ पे टिकट बूथ भी लगे हुए हैं, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ पे टिकट्स अवेलेबल होंगी भी इस वक्त के नहीं, तो लेट मी जस्ट चेक इन एंड देन आई विल कंटिन्यू। वापसी की टिकट मैंने इकोनॉमी की ली है, तो देखते हैं अभी कंपैरिजन करके कि बिजनेस और इकोनॉमी में कितना फ़र्क है। अंदर चल के ऑलमोस्ट सेम ही दिख रही है, बस ये कि ये सीट्स थोड़ी छोटी हैं कंपेयर टू बिजनेस। इसी तरह से प्लग्स उसमें भी लगे हुए हैं सब कुछ, और कैबिन साइज इट्स एक्चुअली वेरी गुड इनफ, गुड इनफ। ज़रूरी नहीं है बिजनेस क्लास लेना भी। इस व्लॉग में मैंने हरमैन ट्रेन को कवर करने की कोशिश की थी कि अगर कोई आ रहा हो आप में से तो आपको पता हो कि कैसे क्या करना है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।